अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर और आज फिर कोर्स का जो है ना जारी है। इसमें बेटे के हवाले से फिटनेस इम्प्रूविंग और कॉम्पिटेंसी कंसोलिडेशन कोर्स है, 21 से 26 तक जारी है। आज हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज है कि मिस्टर महामंदर शाह भाई क्रिकेटर सदर पाकिस्तान स्पोर्ट एंड कल्चर फेडरेशन और इसके अलावा पी टी आई के जो है स्पोर्ट एंड कल्चर फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहना कि ये हमारे लिए बातचीत फिक्र है कि आज आए हुए हैं इसमें और इनका मौका भी जानते हैं, इनका फी भी जानते हैं। तो जी इफ्तार साहब, ये बताइए कि आज आप स्पोर्ट्स में कुछ नहीं पाए हैं, पहले तो अपना तारुफ बता दीजिए थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए। जी इफ्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं पाक आर्मी और पाक नेवी को जो है ना खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि उन्होंने जो तमाम एथलेट्स के लिए जो है एथलीटों के लिए जो है ना एक बेहतरीन कोर्स मुनक़द किया है, जिसका जो है ना मुझे बड़ा फख्र हुआ। मैं भी वहाँ पर इन्वाइट हूँ और जो है ना ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन जो है ये कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी सियासी जमहूरी पार्टी ने आज तक नहीं बनाई थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई और उसके ऊपर जितने पाकिस्तान के अजीम लेजेंड हैं उनको मैंने अपने साथ रखा, जिसमें आल टेस्ट क्रिकेटर, आल ओलंपियन, आल गोल्ड मेडलिस्ट और हर किस्म के कल्चर के लोग जो हैं, जिनमें राइटर हैं, जिनमें जो है वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हमारी तंजीम का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में और पाकिस्तान के बाहर भी ओवरसीज़ हमने पूरी तंजीम कायम कर दी है। तो अभी इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद वो सेरेमनी जो है हमारी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होने जा रही है। तो उसके बाद जो है ना फौरन हमने जो है मैराथन रेस और इसके अलावा जो है वो फुटबॉल और कबड्डी इस तरह के जो मेन 3-4 और इवेंट जो हैं जो 2020 में हो सकते हैं वो हमने ऑर्गेनाइज की है। इसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में पीस क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज की है, पीस टैलेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो हर गेम का टैलेंट हन प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान का ये अजीम PSB जो है इन्होंने भी आज तक इतना बड़ा जो है ना वो कदम नहीं उठाया। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन जो अपने बल बोते पर ये पूरे पाकिस्तान की हर गेम का टैलेंट हन प्रोग्राम करने जा रही है, जिसमें हम पाकिस्तान के हर फर्द को, हर शहरी को जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व करेंगे। पहले ये होता है कि सिर्फ जो है ना वो स्पोर्ट्स मैनों को इन्वॉल्व किया जाता है, हम इसमें अपनी पाकिस्तान की हर कम्युनिटी को, हर किस्म के लोगों को जो है ना वो मौके फराहम करेंगे कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन को एक तो ज्वाइन भी करें और पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन को मजबूत भी करें। क्योंकि मैं PTI में 22 साल से ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है वहाँ पर सियासत मैदान जो है वो स्पोर्ट्स मैन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी पॉपुलरिटी से जो है ना वो खौफजद है कि कल को ये कहीं सियासत में ना आ जाए। तो हम कभी भी सियासत में नहीं आना चाहते, हम जो है वो स्पोर्ट्स और कल्चर की खिदमत करना चाहते हैं। ये हमारी स्पोर्ट्स फैमिली जो है इसको हम डिवाइड नहीं होने देना चाहते। पहली फेडरेशनों ने जो है 2-2, 3-3 ग्रुप बनाए हुए और सब स्पोर्ट्स मैनों को डिवाइड किया हुआ है, स्पोर्ट्स मैन को मौके नहीं मिल रहे, स्पोर्ट्स मैनों का फंड खाया जाता है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म करके इन जेन्युइन स्पोर्ट्स मैनों की और जेन्युइन जो स्पोर्ट्स को चलाते आ रहे हैं उनकी हम खुद कफील, उनको खुद कफील बनाएंगे और उनके लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम पूरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के बच्चों को जो है ना वो हम इनकी जो है ना सैलरी भी लगाएंगे, जो कोचेज़ हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे सहाफ़ी बरदरी है, जो हमारे साथ वर्क करते हैं, जो हमें पॉपुलर करते हैं, जो हमें हाईलाइट करते हैं, हम सबको जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान का एक अजीम गुलदस्ता बनाएंगे। क्योंकि अभी कभी भी सियासतदान जो है वो ना तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सकते हैं, ना इनके प्लेटफॉर्म पे कोई इकट्ठा हो सकता है, ना कोई उलमाए कराम या दीनी जमातें जो है ना इकट्ठी कर सकती हैं। एक ही कौम है जो स्पोर्ट्स और कल्चर के लोग हैं, जो इससे वाबस्ता हैं, वही लोग हैं जो पाकिस्तान को के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स और कल्चर के लोग हैं, वो उनका ना कोई किसी और से तल्लक है। और पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ी कोई कुव्वत है तो वो जो है ना वो स्पोर्ट्स और कल्चर के लोग हैं।
पाकिस्तान की पाक आर्मी जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, वो हमारे लिए एक सुपर हीरो हैं। और लेकिन हम दुनिया के लिए सुपर हीरो हैं स्पोर्ट्स और कल्चर के लोग। इफ्तिखार साहब, यहाँ पे एक सवाल आता है, जिस तरह आपने कहा कि पीटीए का जिक्र किया, दो साल होने को आया पीटीए की गवर्नमेंट को, हम समझते हैं कि स्पोर्ट का जो है ना बड़ा बम्बार्ड होगी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे, तो हमने देखा कि अभी तक जो है ना कोई स्पोर्ट पॉलिसी वाजे नहीं कर पाए, बजाय कि दो चार कोर्सेज करवाने के ऑनलाइन वेबिनार पर, और कुछ भी नहीं किया अभी तक, पॉलिसी कोई नहीं मरम्मत कर पाए, सजेशन ही ले रही जा रहे हैं। तो आप, मैं किस तरह एक्सपेक्ट करूँगा कि जी जो है ना दो साल गुजरने के बाद भी हम चाहते हैं कि स्पोर्ट और कल्चर, कल्चर का तो थोड़ा सा हुआ था, टूरिज्म का भी उन्होंने किया था, कोरोना की वजह से कुछ क्राइसिस आ गए हैं, स्पोर्ट को तो इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया, अभी भी किया है हर लेवल पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर। क्या कहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े ऑनरेबल हैं, उनका बहुत बड़ा विजन है, लेकिन ऐसे है कि जो जिन लोगों ने ये विजन पूरा करना था वो तो हम थे, उनके साथ 22 साल स्ट्रगल की, उनके साथ उनको गाइडलाइन, उनकी गाइड लाइन में जो है हम प्लान बनाते थे कि हम जब हर एक गार आएंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन वो हमारी पार्टी के अंदर जो है वो बड़े ऐसे अजीब अजीब से लोग हैं, वो जो है ना हम स्पोर्ट्स मैनों को घर की मुर्गी जैसे दाल प्राप्त होती है, हमें हमारे ऊपर जो है ना वो दो जो है ना बाड़ियाँ लैदा से उन्होंने बना डाली है, जिसकी वजह से जो हम चीज़ करने आए थे, जो हम लेकर आए थे, जो मैं विजन लेके आया था, क्योंकि आज से पहले किसी ने ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर का आइडिया ही नहीं था किसी के पास, पूरी दुनिया में नहीं था, आप गूगल करके देख ले, किसी के पास ये विजन ही नहीं था। इफ्तिखार साहब, ये बता दिए कि जो एथलेटिक्स का ये कोर्स हो रहा है, इसमें आप आज तशरीफ लाए, तो इसको किस नज़र से देखते हैं और ये कितना इफेक्टिव हो सकता है एथलीट के दरमियान और कोचेज़ के दरमियान और जो टीचर हजरात आए हुए इसको करने के लिए, ये फेडरेशनों के मुख्य तौर पर आए हुए? जी जी, मैं इतना फख्र महसूस करता हूँ कि इस तरह के कोर्सेज जो है ना वो बार बार होने चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें जो है ना हम जुड़ते हैं और हर फेडरेशन जो आपस में बैठते हैं और कोचेज जो हैं उस्ताद हैं उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है कि जी मैं इस कोर्स से पढ़ा हुआ, तो ये जो हमारी कोचिंग स्किल जो होते हैं ना वो यही होते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं, कोच पढ़ाते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वो जहन में तो खुद प्लेयर ने खुद डालना होता है, तो हम चाहते हैं कि ये जितने भी हमारा जिस तरह स्कूल में स्कूल होता है, कॉलेज होता है, अच्छे स्कूल कॉलेज जो है वो 100% जो है वो बच्चों को पास करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स के और कल्चर के लोग जितने भी हैं इनके लिए भी ऐसी क्लासेस लगाई जाएँ कि वो जो है ना हमेशा पास हो, फेल कोई ना हो और वो आगे जाएँ एवरी डे। कोई मैसेज देना चाहें अपना, ये जो टीचर आए हैं हजरात या कोचेज आए या फेडरेशन के लोग हैं, और इस तरह ये आगे आप काम को करने के लिए बड़ा अच्छा फील्ड है, मुतबरक है और इसमें बड़ी एंटरटेनमेंट भी है, कोई भी एक्टिविटीज होती है इसमें फिजिकली के साथ साथ जो है ना तफरी भी मुहैया होती है, तो ये जी मैं ये तमाम बेनिफिट में बात पाक आर्मी और नेवी और जितनी भी फेडरेशन है इसमें हिस्सा ले रही है, मैं जो सबसे यही मेरा मैसेज है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन को आप ज्वाइन कीजिए और हमारा साथ दीजिए, और उसके बिहाफ पे हम आपके लिए क्या करेंगे कि हम आप सब के लिए जो है ना वो बहुत बड़े बड़े इवेंट, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे आपके लिए हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं मौका स्पेशल स्पोर्ट्समैनों के लिए, और ना ही आपके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है, ना कोई जो है ना वो आपको जो है ना एजुकेशन जो है ना वो फ्री दी जाती है, तो बाहर की दुनिया में जो है ना वो स्पोर्ट्स और कल्चर के लोगों को फ्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, तो हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन जो कि इमरान खान साहब ने और मैंने मिल के बनाई थी, ये हमारा विजन था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जो है ना वो सियासत जो है ना वो आड़े आ रही है, तो इंशाल्लाह हम सियासत को भी दूर करेंगे और हम आपको सबको समझाएंगे, हम बताएंगे कि जो स्पोर्ट्स और कल्चर की जो हमने जो विजन लेके आए थे वो उस विजन में इमरान खान का कोई विजन पूरा नहीं कर सकता, कोई माई का लाल ही नहीं है उसके साथ, जो विजन पूरा करना है तो वो हम खड़े हुए हैं और हमें ही जो है ना विश्वास दिया जा रहा था, लेकिन अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तान के अजीम लेजेंड ने जो है वो ये अहद किया है कि हम किसी भी सियासी तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इमरान खान हमारा जो है वो स्पोर्ट्स फैमिली से है, हम इमरान खान को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन किसी भी सियासी रंग में हम नहीं रखे जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू इफ्तिखार साहब, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज वर्ल्ड वाइज दिया है कि हम जो है पाकिस्तानी स्पोर्ट को आगे लेकर चलेंगे,
नो पॉलिटिक्स नो एनीथिंग और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वी आर ग्रेटफुल टू यू दास जी थैंक यू इफ्तिखार साहब थैंक यू आई सब स्टॉप कर ठीक बन गई।